CAPFAC 2024 का DAF फील किया जा रहा है। DAF आपका 4 अक्टूबर से फील किया जा रहा है और ये आपका 18 अक्टूबर तक चलेगा। जो भी लोग आप रिटर्न क्वालिफाई किए हो, 3276 कैंडिडेट्स जो भी रिटर्न क्वालिफाई किए हो, इसको प्रॉपर सीरियस रूप से लो, इसको कंप्लीट अब सीरियस रूप से लो। ये कुछ मार्क्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको कंप्लीट पिक्चर दिखाता हूँ और थोड़े मैं डिस्कस करता हूँ कि कितना चेंजेज होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स डाउट में अब हैं कि सर मैं रिटर्न तो क्वालिफाई कर गया हूँ, कर गई हूँ, आगे क्या होगा, नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। बिफोर गिविंग टू द फाइनल कंक्लूजन और थिंकिंग अबाउट दैट, वी शुड सी दिज मार्क्स। आपको इन मार्क्स को देखना है और उसके बाद अपना डिसीजन खुद से ये लेना है। वंस आप रिटर्न क्वालिफाई किए हो, यानी कि आप अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में 97% लोगों से करीब करीब 96.5 या 97% के आसपास से लोगों से बेटर कंडीशन में हो। अब इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होंगे वो फिजिकल और मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। कुछ के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो फाइनल सिलेक्शन जिनका हो गया है इसमें प्रीवियस वाले में, लेकिन फिर भी एग्जाम दे दिए थे, तो वो तो इंटरव्यू में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनका रिटर्न क्वालिफाई हो गया, बीच में किसी और एग्जाम में सेलेक्ट हो गए तो वहां चले गए। तो कुल मिलाकर के जो इंटरव्यू होगा, जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसमें करीब करीब 1600 15 to 1600 कैंडिडेट्स के आसपास, या मैक्स 1700, मान के चलो 15 से 1700, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उतने के आसपास है, 15 से 1700 के बीच में कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी से DAF से लेकर के, DAF फील करने से लेकर के इंटरव्यू तक आपको कंप्लीट सीरियस रहना है। अपने लेवल से आप बेस्ट दो, रिजल्ट कंप्लीटली आपके हाथ में नहीं है। दिस इज ट्रू कि आप ये नहीं कह सकते हो कि यस मेरा रिजल्ट कंप्लीट। हाँ, कुछ उन लोगों के कह सकते हैं जब आपका इंटरव्यू कॉल मिल जाता है और आपको पता है कि हमारे पेपर 1 में एक्सेलेंट मार्क्स हैं, पेपर 2 हमारा अच्छा है, तब तो वो कहते हैं ऑब्वियसली है। लेकिन जो बीच में बॉर्डर पे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं कि ऐसे कंडीशन में होते हैं जिनको डेफिनेटली पता होता है कि, तो डेफिनेटली पता में भी दो टाइप के हैं। एक तो है कि एकदम मेरा पक्का सलेक्शन होगा, एक है कि मेरा नहीं होगा, उससे भी है। लेकिन जो बीच वाले हैं उनके बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और अब जो आपके 450 मार्क्स थे वो तो पैक हो गया, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जब अब जो 450 मार्क्स बचा हुआ है, इस पर आपका कंट्रोल है। बिफोर सेइंग एनीथिंग, मैं ये आपको मार्क्स दिखाना चाहता हूँ। इसमें से हमने सबको एक तरह से सिमिलर रेंज में लिया है। अब जैसे इनका देखो, 199 आपका रिटर्न में, इनका 196 रिटर्न में, इनका 212 रिटर्न में, इनका 219 रिटर्न में, और इनका 208 और इनका 212। अब ये देखो, 212 रिटर्न में इनका भी है और 212 रिटर्न में इनका भी है। इनका फाइनल क्या है, 292 और इनका 338। ये अंडर 100 में है, लेकिन इनको हाईएस्ट नंबर इंटरव्यू में मिला और इनका 292 ही, ऑब्वियसली इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देख सकते हो कि इंटरव्यू में कितना। अब ये नो डाउट ये हाईएस्ट वाले हैं, लेकिन ये लोएस्ट वाले नहीं है, इनसे भी कम और इंटरव्यू में मिला है। बट समझ सकते हो कि इंटरव्यू में ही कितना। अब जस्ट इमेजिन करो कि इन्होंने कॉन्फिडेंस रखा, इन्होंने कॉन्फिडेंस रखा कि यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू बेटर। और ऑब्वियसली इतना अच्छा इन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था जितना अच्छा आ गया। ऑब्वियसली चूंकि ये मैं इससे जुड़े हुए हैं, मैं इनको गाइड किया हूँ, तो मुझे पता है। ठीक है, इतना अच्छा इन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, लेकिन इनको मिला। अब मान के चलो इनसे कुछ और भी इनको थोड़ा खराब भी मिलता, तब भी सिलेक्शन होता, लेकिन रैंक उतना अच्छा नहीं आ पाता। लेकिन चूंकि हाईएस्ट इनको इंटरव्यू, तो ये एक्सेप्शनल है कि हाईएस्ट मिल गया। लेकिन इनके पास मान के चलो अभी ऑप्शन थे, और ये भी, ये दोनों सेम सिचुएशन में है। अब देखो इस कैंडिडेट का, इनका रिटर्न में इनका 219 है, लेकिन इंटरव्यू में क्या है, जस्ट 90 मिला। अब मान के चलो इनको सपोज करो कि इनको 105 मिला हुआ होता या 102 मिला हुआ होता, तब भी इनका सिलेक्शन हो गया हुआ होता। तो इनका 102 मिला हुआ होता तो सिलेक्शन हो गया। तो ऑब्वियसली चीजें हैं कि डिफरेंस क्रिएट। अब जैसे इनका देखो, इनका भी इंटरव्यू में एक्सीलेंट मिला, लेकिन चूंकि रिटर्न में बॉर्डर पे थे, 196 कट ऑफ है और ये जस्ट 199 है,
तो इन्होंने एक्सेलेंट किया, उसके बाद नहीं हुआ तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंप्लीट फाइट में थे। इन्होंने इंटरव्यू में अपना प्रॉपर दिया और ये मे बी टॉप 10 में इंटरव्यू मार्क्स, टॉप 10 के आसपास में ये थे। अनफॉर्चुनेटली है, चूंकि रिटेन में इनका मार्क्स कम था, दोनों में एक तरफ से देखा जाए तो कम कम मार्क्स था, तो इस वजह से इनस्पाइट ऑफ एकदम क्लोज में पहुंच करके जनरल कैंडिडेट का 323 वाले का हो गया रिजर्व लिस्ट में, तो 2 मार्क्स से एक तरफ से रहा, एकदम गेट पे आकर के लौट गए। अब इनका देखो, इनका 196 एकदम बॉर्डर पे, और फिर इंटरव्यू में जस्ट 83 मिला, तो इस वजह से ये सिलेक्ट ना हो पाए। इनका देखो 208, तो 208 देखा जाए तो ये भी बहुत कम मार्क्स रहा, लेकिन जो ये क्या है कि आपका इंटरव्यू में बहुत खराब था एक तरह से, तो इस वजह से 294 पर ही अटक गए। ये मार्क्स मेरे दिखाने का ये मतलब है कि आप इंटरव्यू में पुश कर सकते हो। अभी इंटरव्यू में ये मत सोचो कि हमारे मार्क्स नहीं आएंगे इस बार के, मैंने या एवरी टाइम मैं देखता हूँ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको लगता है नहीं मेरे शायद नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि डियर व्हाट एवर हैपेंस आप अपना कंप्लीट दो। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे से जुड़ोगे तब रिजल्ट होगा, नो, ये मैं कभी कहता ही नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि आपको बिलीव रखना पड़ेगा, आपको भरोसा रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने ऊपर, सबसे पहले आपको अपने ऊपर ही, क्योंकि यू आर द पर्सन हु विल गो टू बोर्ड। इंटरव्यू बोर्ड में कोई टीचर आपका नहीं जाएगा, फैमिली मेंबर्स आपके नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा, ना आपकी किताबें जाएगी और ना आपकी कलम जाएगी, सिर्फ आपका बॉडी और आपका माइंड जाएगा। तो आप जाओगे, ये करना आपको है, लेकिन हर चीज आप नहीं जानते हो। एक जैसे ये कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान न होई चाहे विरंची संकर्षम होई, कि किसी को भी कितना भी कोई महान हो, कोई ना कोई उसको टीचर मेंटोर की जरूरत होती है। कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहां हमको थोड़ी सी जरूरत होती है, और थोड़ी सी किसी से हेल्प ले लेने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही अवेयर रहना। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि सर अब 15 दिन में मेरा इंटरव्यू है, अब बताइए कि मैं 15 दिन में क्या करूं। डियर आपको जब पता है कि आप रिटेन क्वालिफाई हो गए हो, अभी अभी फिर भी बहुत डाउट है कि मे बी फिजिकल मेडिकल में गड़बड़ हो, लेकिन जिस दिन आपका फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो जाता है, अब आपका है यस आई एम देयर इन द लिस्ट, कि मुझे इंटरव्यू कॉल मिल रहा है, मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ और जा रही हूँ व्हाट्स एवर, तो आपके पास 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स मिल रहा है, 3 मंथ्स तो कम से कम मिल रहा, उस 3 मंथ्स में आप अवेयर रहो, आप अपना कंप्लीट दो। बहुत सारे मैंने उन कैंडिडेट्स को देखा हूँ जो मार्क्स 115 लाए हैं, उन कैंडिडेट्स को जो रियल में शायद उतना डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप पे भरोसा रखा, और उन्होंने कुछ चीजें मैंने बोला कि यार तू ये कर, और उन्होंने उस चीज को प्रेजेंट किया जा करके और उनको मिला। कुछ ऐसे हैं कि जो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हैं, जस्ट रिटेन जब क्वालिफाई किए हो, मे बी आपका एकदम बॉर्डर पे ही हो, मान के चलो कि आप जितना कट ऑफ है 200, यदि रिटेन में कट ऑफ है आप 200 पे भी हो, तो आपको फुल फाइट देना है। फुल फाइट देने के बाद भी ना हो तो टेंशन ना लेना है, आपने अपना दिया, लेकिन आप फुल फाइट देते नहीं हो और तब रिजल्ट नहीं होगा तो दुख होगा ना। अब जस्ट इमेजिन करो कि इन्होंने फुल अपना फाइट दिया, अब रिजल्ट ना हुआ, तो ठीक है, दुख तो ऑब्वियसली होगा कि जब एकदम आप गेट के पास पहुंच करके आपका 2 नंबर, हो सकता है इनको 124 मिल सकता था, 125 मिल सकता था, मैं ये नहीं, लेकिन इन्होंने बेस्ट दिया अपना, टॉप 10 में इंटरव्यू मार्क्स इनको मिल गया। अब ना होना तो ये एटलीस्ट है, ये नहीं कह सकते कि हमने जो देना था। हाँ, अब ये कहोगे कि रिटर्न में, तो रिटर्न की मैं यहाँ फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न में तो पहले देना था, लेकिन इंटरव्यू में इन्होंने उसके बाद कंप्लीट फाइट दिया। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि इन्होंने फाइट नहीं दिया, लेकिन जो सेल्फ डाउट होता है, दूसरा बहुत बार कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स, मैं इसको ये नहीं कहूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन में होते हैं कि अच्छा चलो ठीक है देखा जाएगा हो जाएगा ये करके, जब लास्ट कभी होता है तो फिर आपको लगता अब क्या हम करें, फिर आप ढूंढते फिरते हो चलो कैसे भी कोई एक मौका दे दे, ऐसा नहीं होता है डियर। आपकी जो ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें से आपको टाइम लगता है, आपको कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। किसी भी पर्सन को जो इंटरव्यू में वहां जा रहे हो, तो बोर्ड में 4 मेंबर्स हैं मींस इंक्लूडिंग हेड ऑफ द बोर्ड, अब वो 4 के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आपसे रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहे, आपको टोकामैक डिजाइन नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आप जो हो सहजता,
कंफर्ट जो जून में आने के लिए, उसमें आपको पुश करने की जरूरत है, उसमें आपको टाइम लगाने की जरूरत है। तो इनको देखो कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स आप देखोगे, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ऑब्वियसली मैंने 6 कैंडिडेट्स का लिया, अब मैंने किसी का भी देखो इन जनरल जो इसमें लिया रिटेन में, एक्सेलेंट वाले का नहीं लिया है मैंने, मैंने सबका आपको एवरेज वाले का दिखाया है। अब उस आधार पे देखा जाए तो इनका सबसे हाइएस्ट रिटेन पार्ट, इतने इन 6 में से इनका हाइएस्ट इंटर ये रिटेन पार्ट में, लेकिन इंटरव्यू में ऑब्वियसली ये खराब है। मैं इन कैंडिडेट को भी पर्सनल रूप से जानता हूँ, और इनसे कुछ कैंडिडेट जो मैं जानता हूँ कि इनसे अच्छे नहीं थे, मतलब एज ए टोटल एग्रीगेट अकेडमिक्स में, लेकिन उनको फार बेटर इंटरव्यू में मार्क्स मिल गया। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं ना कि जिनको लगता है नहीं मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी टीचर मेंटोर कर रहा या जो कॉन्फिडेंस की बात है, तो मैं अपना कंप्लीट कॉन्फिडेंस में से इंटरव्यू में जाऊंगा, तो ऐसे कर जाते हैं। बहुत ऐसी सिचुएशंस होती है, ये देखो ओपिनियन की चीजें हैं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप मेरे से एग्री हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जिनको मैं गाइड करता हूँ, जो इस रास्ते से मुझसे मिलते हैं इस इंटरव्यू जर्नी या प्रिपरेशन की जर्नी में, बहुत सारे मेरे से बेटर हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास कपल ऑफ ईयर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, अब मैं अपने टाइम का देखूं और अभी देखूं तो 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंसेस इस एग्जाम का है, एज ए टीचर के तौर पे 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंसेस है। तो आप यदि फ्रेश हो तो मे बी आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ज्यादा हो सकता है, आप फ्रेश माइंड में मेरे से ज्यादा कैपेबल, लेकिन एग्रीगेट यदि एक्सपीरियंसेस कुछ है मेरे पास एक्यूमुलेटेड, और यदि आपको चाहिए या हमने जो भी आपको टीचर मेंटर मिलते हैं तो थोड़ा सा सजेशन लो। अब कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि कभी कभी कि सर ये टीचर तो 200 रुपया में कर रहे हैं, ये सर 500 में कर रहे हैं, डियर ये सब्जी वाला मार्केट नहीं है, इसमें से सबका अपना कुछ पैसे यदि ले करके, हाँ अब एकदम आप कैपेबल नहीं हो तो फिर आप अपने आप पर भरोसा रखो, और कैपेबल नहीं हो तो बहुत सारे मार्केट में है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको फ्री एडवाइस दे रहे हैं, मैं भी आपको देता हूँ, ऐसा नहीं मैं सबको कहता हूँ, आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहते हैं मैं किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ, लेकिन प्रॉपर डेडिकेटेड यदि आपको चाहिए होता है तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए आपको थोड़े से पे करने होते हैं। अपने पे भरोसा रखना सबसे जरूरी है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, तो बिलीव अपने पास अपने में रखो। दूसरा है कंप्लीट फाइट दो, ये मत सोचो इसको हाफ टाइम के लिए, इसको फुल टाइम के लिए, या आप क्लोज में आए हुए हो, आप 97% लोगों से बेटर हो चुके हो, और जब इंटरव्यू में जाओगे तो आप 98.5% लोगों से बेटर अपने को प्रूव कर चुके होगे, तब आप इंटरव्यू में जाओगे। तो यदि आप 98.5% लोगों से बेटर हो तो फिर आपको अपना 100% देना है, नोट 99%, 100%। दूसरा, अभी डीएफ फील बहुत लोग कर चुके हो और बहुत लोग प्रोसेस में हो, डीएफ में ट्राई करो इरर ना हो, और जो डीएफ में है आप उसके हर पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करो बिफोर यू गो टू इंटरव्यू बोर्ड। इंटरव्यू बोर्ड में आपका जब बॉडी और माइंड जाता है, माइंड तो पहले भी आप अपना भेज सकते हो, लेकिन जब आप बॉडी के साथ आपका माइंड जब इंटरव्यू बोर्ड में जाता है, उससे पहले इंटरव्यू बोर्ड में आपके प्रति एक इमेज बनता है, उस डीएफ के आधार पे कैंडिडेट को भी नहीं देखा, कैंडिडेट का पिक्चर ऑब्वियसली देखा लेकिन कैंडिडेट को भी नहीं देखा बोर्ड ने, लेकिन ये देखा कि अब ये आ रहा है, इट्स एक्सपेक्टेशन है, मान के चलो किसी का लिखा हुआ डीपीएस में पड़ा हुआ है, या और मैं ऑब्वियसली मैं जेपीएस का जनरली नाम ले लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं, ऑब्वियसली मैंने नहीं पढ़ा कभी वैसे स्कूल में, मैं खुद ही गांव के उस स्कूल से अपना जर्नी स्टार्ट किया जहाँ मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं अपना बोरा लेकर के जाता था, बैग लेकर के जाता था, जैसे जूट बैग या प्लास्टिक बैग, और उस जो बोरे होते हैं जिसको बोलते हो थैले टाइप का, वो उस पर बसते, उस पे किताबें लपेट करके उसी पर बैठते थे। अब ऑब्वियसली जिस स्कूल में मैंने स्टार्ट किया वहाँ सारे बेंच डेस्क हो गए हैं, अच्छी बिल्डिंग बन गई है, लेकिन हमारे टाइम में सिचुएशन ऐसा था, तो मैं भी खुद उस बैकग्राउंड से आया हूँ, लेकिन कभी भी मैंने उसको ड्रॉबैक नहीं लिया, निगेटिव नहीं लिया, मुझे लगा ठीक है दैट्स फाइन, वो जो मुझे अवसर अवसर मिला, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उसका यूज किया। बहुत सारे हो जो बहुत अच्छा स्कूलिंग जिनकी हुई है, तो आप अपना उस लेवल से प्रिपेयर करो, जिनका है कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है तो आप उस लेवल से अपने को प्रिपेयर करो, लेकिन कभी भी अपने को डिमोरलाइज फील ना करो, कभी अपने को डाउन फील ना करो, ये कभी नहीं सोचो कि मेरा क्या होगा, नहीं, आप जिस भी कंडीशन में हो, अभी ये एग्जैक्ट आपको नहीं पता है कि कितने मार्क्स मिले हैं, पेपर वन में भी 3 क्वेश्चन इधर उधर होगा, तो 3 क्वेश्चन का मतलब है 8 मार्क्स इधर उधर, मान के चलो किसी ने 110 का आता रखा है और 3 क्वेश्चन जो गलत वो अभी समझ रहे हैं, और वो सही हो जाता तो 118 हो जाता है,
रिटर्न पेपर टू में यदि आप 70 का आशा कर रहे थे, आपको यदि 80 मिल गया, आप अभी नहीं जान रहे हो ना, हो सकता है 70 किए हो तो आप 60 भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी क्यों नहीं पॉजिटिव लेकर के चला जाए, क्यों नहीं, यदि कोई 130 अब तक इंटरव्यू में ला चुका है तो हम क्यों नहीं एस्पायर कर सकते हैं 130, यदि 126 इस ईयर का 23 का हाईएस्ट है तो हम क्यों नहीं एस्पायर हो सकते हैं, यदि 120 कोई ला सकता है तो हम क्यों नहीं एस्पायर हो सकते हैं। तो आप इस चीज को रखो, और जिससे भी हेल्प की जरूरत हो, जो पहले सक्सेसफुल हो चुके हैं कैंडिडेट्स, उनसे आप गए डीएफ को प्रॉपर फील करो, डीएफ से आप बेटर होने की कोशिश करो, कि जो डीएफ में इंफॉर्मेशन लिख रहे हो उससे बेटर आपको होने की कोशिश करना है। एजुकेशनल जो भी है, यदि आपने 60% मार्क्स लाया है उस पर जो बेइज्जती महसूस ना करो, जो 90% 98% मार्क्स लाए हुए उनसे 98% का एक्सपेक्टेशन किया जाएगा, लेकिन जो हमेशा 60% लाया है या हमेशा 50% लाया है उसे 50% के अनुसार एक्सपेक्टेशन करेंगे, लेकिन आपको 50% के अनुसार बोलना है। अब आपने कुछ हॉबीज लिखे, आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिखे हैं, आप उसके बारे में बोलो। आप ये बोलते हो कि मेरे फादर फार्मर हैं और वो एक स्ट्रगल से जिंदगी जी रहे हैं, तो आपके आंसर्स में वो झलकने चाहिए, आपको एक अंदर से दिखने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े में धूल लगा करके आओगे, नो, वो मतलब नहीं है। यदि आपके फादर फार्मर हैं और वो स्ट्रगल से जीवन जी रहे हैं तो आपके आंसर से उनको पता चलता है कि यदि आप रियली उस चीज को कर रहे हो। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि ठीक है, वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखते हैं बहुत सारी चीजें के, आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ लिखा और आप वो कुछ, तो आप जस्टिफाई अपने से नहीं कर रहे हो, आपसे एक्सपेक्टेशन था कि आप 100+ डिजर्व कर रहे हो, मान के चलो 100 के पैरामीटर पे आपसे वो 80 पैरामीटर पर सोच रहे हैं कि खरा उतरोगे, और आप 60 पर आए तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली कम मिलेगा, लेकिन आपसे उन्होंने एक्सपेक्टेशन 100 के पैरामीटर पे 80 का एक्सपेक्टेशन रखा, आपने 90 उनको दिया, तो ऑब्वियसली है आपके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो अब भूल जाओ जो कुछ हुआ, अभी डीएएफ को प्रॉपर तरीका से भरो, जहां तक हो सके इंफॉर्मेशन सही डालो, और इंफॉर्मेशन आपका सही होना चाहिए, वो जस्टिफाई होना चाहिए। अब बहुत बार चीजें आपका जो आप बोलते हो, जो आपका डीएएफ कहता, वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है, इस वजह से दिक्कत होता है। तो अभी तरीके से भरो डीएएफ को, जितना हो सकता है डीएएफ को सीरियस रूप से लो, और जो भी क्वेश्चंस क्यूरी, जहां भी, मैं ये कह रहा हूं कि जिनसे भी आपको अपना क्वेश्चंस क्यूरी का समाधान हो सकता है, आप उनसे करो, उनसे करवाओ, उनसे पूछो, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है यदि मेरे से रहता है तो आप पूछ सकते हो। अभी डीएफ फिल किया जा रहा, मैं हर कैंडिडेट का जेन्यून जो भी क्वेश्चंस है वो रिप्लाई कर रहा हूँ जितना हो सकता है। अब सारे कैंडिडेट्स को तो मैं नहीं जानता हूँ, जो जो मेरे पास जुड़े हुए हैं और जो मेरे से पूछते हैं, मैं अपने भरसक प्रयास करता हूँ। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे प्रश्न पूछ सकते हो, जो आपको डाउट्स है, जो क्वेश्चंस क्यूरी है, और जिनका भी अपना भर चुके हो तो अपने फिजिकल पर ध्यान दो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, और फिर लगता है कि हाँ फिजिकल वगैरह में भी मैं, तो थोड़े थोड़े आपको कुछ दिन में इंटरव्यू वगैरह पे भी तैयारी करना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी डीएफ जब फील हो जाएगा उसके बाद, और हम इंटरव्यू वगैरह के संबंध में और फिर आपका फिजिकल के संबंध में, मेडिकल के संबंध में और चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो भी क्वेश्चन क्यूरी है वो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।